हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस द साइंस ऑफ सिक्स क्लास। सो इन सिक्स क्लास फर्स्ट चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का जैसा कि नाम है, फूड फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन जो हम करते हैं वो कहाँ से आता है, उसमें क्या क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। फूड आइटम्स हम रिवाइज करेंगे। फूड आइटम्स जो फूड आइटम्स होते हैं उनके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, ठीक है। फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। फूड आइटम्स और उनके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फूड आइटम्स की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट में हम बात करें अगर बॉयल्ड राइस की, बॉयल्ड राइस, तो बॉयल्ड राइस में क्या क्या होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। राइस होता है, वाटर होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, एक तरफ फूड आइटम्स हो गया, एक तरफ इंग्रेडिएंट्स हो गया। चलो ये फूड आइटम्स है। बॉइल्ड राइस इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं बॉइल्ड राइस के। बॉइल्ड राइस में होगा कि बॉइल्ड एक तो राइस, दूसरा वाटर। तो बॉइल्ड राइस के इंग्रेडिएंट क्या हो गए, एक तो राइस होता है उसमें और वाटर होता है, बस बॉइल्ड राइस हो गए जाके इंग्रेडिएंट्स। दूसरी अगर बात करें चपाती की, चपाती जिसको रोटी बोलते हैं, इसमें क्या क्या होता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, फ्लोर होता है, आटा होता है और वाटर होता है, ठीक है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या लिखेंगे, फ्लोर, वाटर, फ्लोर कोमा वाटर, ओके। तीसरा अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल करी की, वेजिटेबल करी में क्या क्या होता है। अब वेजिटेबल करी में क्या इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, वेजिटेबल होती है, वेजिटेबल होगी, साल्ट होगा, साल्ट, स्पाइस, इसके बाद वाटर, वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइस, वाटर और इसके बाद ऑयल, ठीक है। ये वेजिटेबल करी के जो है ना इंग्रेडिएंट्स हो गए। अगर बात करें हम दाल की, दाल के इंग्रेडिएंट्स, दाल में क्या क्या होता है, पल्स होती है, दाल होती है, मतलब पल्स बोलते हैं इसे, पल्स होगी, इसके बाद में क्या होगा, साल्ट होता है उसमें, स्पाइस होता है, वाटर होता है और ऑयल होता है, ठीक। ये दाल के इंग्रेडिएंट्स हो गए, ओके। सो दीज आर द आइटम्स, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, मतलब वो फूड आइटम्स जो हमने बनाया है वो किससे मिलके बनता है, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, वो उसके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं, ओके। चलिए ये तो हो गया जाके ये फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। आगे देखिए, आगे रिवाइज करते हैं हम इसमें। प्लांट्स पार्ट एज फूड, प्लांट पार्ट एज फूड मींस दैट प्लांट के कौन कौन पार्ट्स जो है वो फूड के फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो रूट होती है, नंबर वन प्लांट रूट, दूसरा प्लांट की स्टेम होती है जिसको हम फूड के फॉर्म में यूज करते हैं, तीसरा अगर हम रूट की बात करें, रूट में क्या होता है, कैरेट होती है, कैरेट प्लांट रूट होती है, कैरेट होती है, साथ ही साथ रेडिश होती है,
स्टैंड की बात करें, स्टैंड में ओनियन होता है, पोटेटियम ओनियन होता है, और इसका पोटैटो होता है। इसके बाद में बात करें प्लांट लीव्स की, प्लांट की लीव्स भी होती है, वो ये खाने में काम आती है। लीव्स में स्पिनिच होता है, हैं स्पिनिच को यूज करते हैं। इसके बाद में और कैबेज को यूज करते हैं, ये भी हम खाने में यूज करते हैं। इसके बाद में प्लांट्स के फ्लावर भी हम यूज करते हैं फूड के फॉर्म में। अगर फ्लावर की बात करें, एग्जांपल पूछे क्या क्या होता है, एप्पल होता है, ऑरेंज होता है, ठीक है, हम आपको टू टू एग्जांपल बताने लगभग, एप्पल होता है, ऑरेंज होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि सीड्स, प्लांट्स के सीड भी यूज करते हैं हम खाने में, प्लांट्स के कौन कौन से सीड को यूज करते हैं, सीड के फॉर्म में हम वीट लेते हैं, मिलेट लेते हैं, वीट भी यूज करते हैं, मिलेट भी यूज करते हैं, इनको सबको हम क्या करते हैं, दीज आर द प्लांट पार्ट, प्लांट्स के पार्ट एज अ फूड के फॉर्म में हम यूज करते हैं, ठीक है। ये जैसे प्लांट रूट को हम रूट के फॉर्म में कैरेट लेते हैं, रेडिश लेते हैं, प्लांट का ऐसा कौन सा प्लांट्स है जिसकी हम स्टेम को यूज करते हैं, ऑनियन और पोटैटो, ऐसे कौन से प्लांट है जिनकी हम लीव्स को यूज करते हैं खाने के फॉर्म में, स्पिनिच, कैबेज, कौन से प्लांट है जिसके फ्लावर को हम यूज करते हैं खाने के फॉर्म में, एप्पल और ऑरेंज, ऐसे कौन से प्लांट है जिनके सीड को यूज करते हैं, वीट और मिलेट, ओके। सो दिस इज द प्लांट पार्ट एज फूड, ओके। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।